कोरबा कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का उचित इलाज तथा देखरेख हो रहा है। जिले में अब तक कुल 5,791 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमितों में से 3,854 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में 1,901 लोगों का इलाज कोविड अस्पतालों या होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। ईएसआईसी कोविड अस्पताल में इलाज के लिए 142 बेड स्वीकृत हैं, जिनमें अब तक 915 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। 790 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में ईएसआईसी कोरबा में 79 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है तथा 63 बेड रिक्त हैं। सीपेट कोविड केयर सेंटर में 850 बेड स्वीकृत हैं, जिनमें अब तक 843 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं तथा 710 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सीपेट में वर्तमान में 756 बेड रिक्त हैं तथा 93 मरीजों का इलाज चल रहा है। कृष्णा हॉस्पिटल में 80 बेड स्वीकृत हैं, अब तक 35 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, 2 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं तथा 30 मरीजों का इलाज जारी है। जैन एनजीओ महाराजा होटल में 50 बेड स्वीकृत हैं, जिनमें अब तक 43 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं तथा 31 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में 12 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं की उपलब्धि कराई जा रही है। लक्षण तथा बिना लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही रखकर होम आइसोलेशन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। कम लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर कोरोना का इलाज किया जा रहा है। मरीज तथा उनके परिवार के लिए कोरोना से बचाव तथा इलाज वाली दवाइयों का किट बनाकर दिया जा रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे होम आइसोलेट मरीजों की स्वास्थ्य की निगरानी भी रखी जा रही है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। कम लक्षण तथा बिना लक्षण वाले मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। अब तक जिले में कुल 3,175 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। अब तक 2,186 होम आइसोलेट मरीज स्वस्थ होकर होम आइसोलेशन से मुक्त किए जा चुके हैं। वर्तमान में कुल 1,632 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।